हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था, ये जो ओजेई के बारे में, ओजेई के एडमिट कार्ड के बारे में और मॉक टेस्ट के बारे में मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था ना, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कि आज की डेट में जो कि आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी आपकी ओजेई की एडमिट कार्ड। ओके, तो मैंने जो न्यूज़ आपको दिया था वो एकदम रियल टाइम में दिया था, और अभी भी एकदम 5 बज के कुछ टाइम हुई है जो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अभी आप लोग को देखने को मिल जाएगी यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड की ऑप्शन आ रही है। ओके, तो अभी आप आसानी से कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आपको इस तरह की एक पेज मिल जाएगी। सिंपल चीज़ करना है आपको, आप जब भी फॉर्म भरी होगी तभी आपको एक इस तरह की चीज़ें मिली होगी। ओके, मैं आपको एक फ़ोटो डेमो की तरफ से डेमो दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से वो होगी। और इस तरह से यहाँ पे आपको भी एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। ओके, वही सेम एप्लीकेशन नंबर को आपको लाना है और यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आपको सिंपल चीज़ ये करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ओके, तो डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप विदाउट स्पेस और विदाउट एनी स्लैश यूज करके आपको सिंपल सा आपकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। ओके, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, और डेट यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पे दिया गया है। कोई भी बिना स्पेस यूज किए, बिना स्लैश यूज किए आपको सिंपल सा आपकी डेट ऑफ बर्थ को डालना है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/6/2018। ओके, तो आपको 15/06/2018 इस तरह से लिखना पड़ेगा, और सिंपल चीज़ करना पड़ेगा, लॉग इन के ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे ही लॉग इन के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने आपके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आपकी नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी की सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, और आपको यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड की ऑप्शन भी आ रहा होगा। ओके, ये पर्सनल डिटेल्स है और ये डाउनलोड एडमिट कार्ड की ऑप्शन रही है। पर्सनल डिटेल्स में आपको जो है आपकी पर्सनल चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और डाउनलोड एडमिट कार्ड के अंदर जैसे ही आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करो। ये एक PDF फाइल के तरह आ जाएगी, आपको सिंपल स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी मतलब ये ओजेई की जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये था छोटा सा वीडियो, मैं कैसे आपको बता रहा था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई आपकी मन में एनी क्वेश्चंस है तो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।